हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F12 के बारे में। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो स्मार्टफोन है दरअसल सैमसंग गैलेक्सी M31 या फिर M सीरीज़ के कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ के साथ लॉन्च होंगे। यानी कि कुछ दिनों पहले जैसे आपको सैमसंग गैलेक्सी F41 देखने को मिला था F सीरीज़ के अंदर, ठीक उसी तरह से F12 का स्पेसिफिकेशन भी M21S के साथ मैच हो सकता है। तो अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर कुछ लीक्स हुए थे। जैसे यहाँ पर आपको 6.5 इंच का फुल प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है और ऊपर से यहां पर भी आपको पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। और बात करें इसके फ्रंट डिजाइन के बारे में या फिर बैक डिजाइन के बारे में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर जो M सीरीज है उसी के साथ यहां पर हूबहू वही सेम डिजाइन देखने को मिल जाएगा F12 के अंदर। तो यहां पर दो वेरिएंट देखने को मिल सकता है F12 या फिर F12S के नाम से, जिनमें आपको स्पेसिफिकेशन लगभग सेम ही मिल जाएगा। और इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यह बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हमें जहां तक लगता है यहां पर ज्यादा चांस ये है कि सैमसंग इसमें भी पुराना वही प्रोसेसर यूज करेगा, यानी कि एक्सिनोस 9611 का प्रोसेसर इस फोन के अंदर भी देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर देखने को मिल जाए। तो अगर ये होता है तो दोनों ही प्रोसेसर आपको लगभग सेम परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि यहां पर कुछ खास चेंज आपको इस फोन के अंदर मिलेगा। और साथ में यहां पर आपको 6GB रैम 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। और यहां पर जो सबसे मेन चेंज आपको देखने को मिलेगा F41 के मुकाबले कि इस बार सैमसंग गैलेक्सी F12 के अंदर आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और वो भी वही सेम स्क्वायरी बॉक्सी डिजाइन के अंदर। और यहां पर जो F12 होगा इसमें आपको मेन कैमरा लेंस मिलेगा 48 मेगापिक्सल के साथ और बाकी जितने भी सेंसर है ये आपको सेम मिल जाएगा। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो शायद यहां पर भी आपको यू शेप नॉच के साथ फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। और बात करें इसके बैटरी के बारे में तो ये ज्यादातर कंफर्म हो चुका है कि F12 के अंदर या फिर F12S के अंदर आपको 6000 mAh का बिग बैटरी देखने को मिलेगा और साथ में 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है। तो अगर हम बात करें इस फोन के प्राइसिंग के बारे में, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी F12 का प्राइस आपको लगभग 12,000 से 13,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले जो आपको सैमसंग गैलेक्सी F41 देखने को मिल रहा था ये सेल के दौरान यानी कि ऑफर्स के दौरान आपको 15,000 से 16,000 के आसपास मिल रहा था, ठीक उसी तरह से हमें लगता है कि F12 का प्राइस भी आपको 12,000 से 13,000 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है ये थोड़ा सा कम आपको मिलेगा F41 के मुकाबले। तो दोस्तों आपको क्या लगता है सैमसंग गैलेक्सी F12 के बारे में, आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।